कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये पीछे से मेरी जेठानी भी है, झाड़ू लगा रही है। और हम लोग जा रहे हैं आज आलू को भूनने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक परात में मैंने कंडों के कुछ टुकड़े इकट्ठे कर रखे हैं और गत्ते भी रखे हैं। इनसे ही आग जलाएंगे। अब जो दीदी है ना, वो आग जलाएंगी इसमें। वो साइड हो जा बच्चा, बच्चा साइड हो जा, जल्दी से आग जलने जा रही है। वाह, ये देखिए आलू भूजने की तैयारी हो गई है। कौन कौन आलू खाएगा? मैं। और शैतानी कोई नहीं करेगा। ओके ओके ओके, बंद हो गई। मैं बड़ा हूँ, उसका उसकी उंगली जल जाती है। जल जाती है, वेरी गुड। ये देखो कितनी अच्छी बच्ची है। मैं प्लास से पकड़ूंगा। ये देखो आग जलना शुरू हो गई है। अब हम लोग आलू भूजेंगे। मम्मा मैं हाथ से पकड़ूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आग अच्छे से जलने लगी है। जब ये आग अच्छे से जल जाएगी तो कंडे की अच्छी सी आंच बन जाएगी। उसी में बीच में जगह बनाकर आलूओं को दबा देंगे, जिससे कि आलू भुनने लगेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब तक ये आग जल रही है तब तक इसमें आलू ना डालें। जब ये आग बंद हो जाए तो जो कोयला टाइप से बनता है उसमें आलू दबाएं, उससे आलू जलेंगे नहीं और अच्छे से भुनेंगे। और यहाँ साइड में बच्चों की मस्ती भी चल रही है, तो बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं। और हेलो करो बच्चों। हेलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह की जब आग बन जाए तब उसमें हम आलू को दबाएंगे। तो करछी या किसी और चीज़ की हेल्प लेकर आप उसमें छोटे छोटे मीडियम साइज़ के आलू दबा दें और ऊपर से कंडे से और ढक दें। इस तरह से आसानी से आलूओं को भुना जा सकता है। और मेरे पापा की ज़्यादा ही डिमांड थी, तो पापा की डिमांड पर आलू भुने जा रहे हैं। तो अभी तो पापा मम्मी मार्केट गए हुए हैं कुछ सामान लेने, क्योंकि उन्हें रिलेटिव्स में जाना है। साइड में आप देख ही सकते हो कि बच्चे अपनी शैतानी कर रहे हैं, झूले में बैठकर मस्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने आलूओं को ढक दिया है। और मम्मी भी मार्केट से आ गई हैं, तो वो अपने लिए पर्स लाई हैं, तो वो मैं पर्स आपको दिखा रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में इसमें दो चैन हैं, काफ़ी स्पेस है इसमें। ये देखिए आप अंदर भी काफ़ी सामान इसमें कैरी कर सकते हो। मम्मी ने पहले से ही अपना चश्मा रख रखा है। और यहाँ पर देखिए ये दूसरी पॉकेट है, और ये एक पीछे की साइड भी पॉकेट है जिसमें आप चेंज रख सकते हो। और ये आगे की साइड में भी एक पॉकेट है जिसमें चैन भी लगा हुआ है, और इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हो।
तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। 1000 में ये बहुत ही अच्छा बैग मिल गया है, जो कि हमारे लोकल मार्केट से ही मिला है। तब तक इधर आलू भी भुन चुके हैं, दीदी निकाल कर देख रही हैं अच्छे से भुने कि नहीं, तो इन्हें ऐसे इस तरह से देखेंगे दबाते हुए, जो भुन गए होंगे वो अंदर से दबने लगेंगे। तो भुने भुने आलू निकाल के रख रही हैं दीदी। आलू छीलते हुए दीदी कुछ बोल भी रही हैं, आवाज़ म्यूट है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही हैं। तो आलू के साथ खाने के लिए हरी धनिया, हरी मिर्ची और नमक पीस कर इस तरह से बनाएंगे। तैयार है, अब मैं चलती हूँ सबसे पहले अपनी मम्मी को आलू की को खिलाने। तो चलिए फिर चलते हैं मम्मी के पास। यहाँ पर मैं आलूओं को लेकर मम्मी के पास दुकान में पहुँच गई और मम्मी को दिए। मम्मी से कहा मैंने, खाओ और टेस्ट करके बताओ कि कैसे बने हैं, पर मम्मी खाने ही जा रही हैं। कैसे लगे बताओ मम्मी? बहुत स्वादिष्ट बने, लेकिन आंखें मासू आ रहे हैं। इधर तब तक दीदी ने बचे हुए आलूओं को फिर से आग में दबा दिया है और इस तरह से ढक दिया है। गर्म है। तो सच में आलू बहुत ही टेस्टी बने थे, सबका रिस्पांस अच्छा ही आया। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।